अनेक अनुभव बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मानेसर मंडल के सभी पीठों पर ये कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहे हैं और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर काम ले रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बड़े चिंतक संगठनकर्ता व सनातन धर्म की विचारधारा के आदमी थे और वो इसके साथ साथ साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए यदि उपाध्याय जी मुझे मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा बदल दूंगा राजनीति के अंदर। तो 1967 तक उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। वो मात्र 43 दिन तक ही इस पद पर रहे। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही उसकी हत्या के बारे में देश को पता चला तो पूरे देश में शोकाकुल हो गया, पूरे देश गम में डूब गया ऐसे महान पुरुष की हत्या के बाद। और ऐसे महान पुरुष को हम हमेशा याद रखेंगे, समय समय पर उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करेंगे। भारत माता की जय।